अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और आज हम जा रहे हैं कीर्थर नेशनल पार्क आपको दिखाने के लिए। मैं इस वक्त नेशनल हाईवे के ऊपर मौजूद हूँ और ये रास्ता जो है वो जाता है कीर्थर नेशनल पार्क। दिखाते हैं आपको आज कीर्थर नेशनल पार्क में क्या है। अस्सलाम वालेकुम, आज यहाँ पर मौजूद हैं कीर्थर पार्क में और वाइल्ड लाइफ के हवाले से अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज यहाँ पर मौजूद है। एक ऐसी जगह है जो कराची में बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते। कराची से सिर्फ 125 किलोमीटर के फासले पर ये कीर्थर पार्क है और मेरे बिल्कुल सामने हब डैम बना हुआ है। पानी का एक बहुत बड़ा ज़खीरा यहाँ पर है जहाँ से कराची की बहुत बड़ी सप्लाई है पानी की। उसके अलावा इस कीर्थर पार्क में क्या क्या है ये आज आपको दिखाएंगे। यहाँ पर कुदरती हयात मौजूद है, चिनकारा है, आईपैक्स और इस तरह और बहुत सारे ऐसे जानवर नायाब मौजूद हैं जिनको देखने का मौका कम मिल पाता है। तो आज आपको दिखाएंगे ये बहुत सारे जानवर मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं और ये सुबह का इस वक्त वक्त है और यहाँ इतनी सारी मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं, ये आज आपको दिखाएंगे। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है जहाँ पर आज हम मौजूद हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं और बहुत सारी चीज़ें आज आपको यहाँ पर दिखाते हैं। मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ। ये महकमा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का सेंटर है और ये वो जगह है जो जो गेस्ट यहाँ पर आते हैं उनके लिए इंतज़ाम भी यहाँ पर किया। मुख्तलिफ हट्स यहाँ पर बने हुए हैं, बहुत अच्छे यहाँ पर रिसॉर्ट्स बने हुए हैं क्योंकि बिल्कुल पीक है और यहाँ पर मेरे पीछे भी कुछ हट्स बने हुए हैं। इनके आस पास बहुत सारे महकमा वाइल्ड लाइफ के जो है हट्स हैं जो लोग कराची से यहाँ पर आते हैं, ये उनके लिए बड़ी अच्छी जगह है। तो ये सेंटर अभी जाते हैं, इसका भी विज़िट करेंगे, ये भी आपको दिखाएंगे और इसके साथ साथ और बहुत सारी जगहें जो हमने एक्सप्लोर करनी है इस पूरे कीर्थर नेशनल पार्क में, तो वो आपको दिखाते हैं। आइए, इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कीर्थर नेशनल पार्क में और मेरे साथ यहाँ पर अब्दुल रशीद साहब मौजूद हैं जो यहाँ के इंचार्ज हैं और जिन्होंने हमें अभी तक बहुत सारी जगहें दिखाई हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी भी हमने एक्सप्लोर करनी है। थोड़ा सा इस पार्क के बारे में बता देते हैं आपको कि ये कब बनाया गया और साथ साथ यहाँ पे कौन कौन से जो नायाब जानवर हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद साहब, आपने हमें यहाँ पे वक्त भी दिया और हमें बहुत सारी जगहें दिखाई भी। ये पहले ज़रा बताइएगा कि ये पार्क जो है ये कब बनाया गया, इसका ख्याल कब आया? देखिए, ये तकरीबन 30-35 साल हो गए हैं इसको बने हुए। तकरीबन यहाँ पे 11 हट्स बने हुए हैं और ये काफ़ी मतलब जो इलाका है जो दूर तक वो भी इसमें आता है नेशनल पार्क के एरिया में। इसमें तीन सेंटर है, पचानी है, खार सेंटर है, कच्चात है। तो ये जो सेंटर है अपना खार सेंटर वो डिस्ट्रिक्ट मलिर में आता है कराची में और कराची के बहुत करीब है और ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे तमाम जो नायाब नस्ल के जानवर है जिसमें उड़ियाल है, आईबैक्स है और अपना मोर हैं, तीतर हैं और भी काफ़ी ऐसे परंदे हैं वो भी हैं। तो मतलब ये काफ़ी तादाद में यहाँ पे जानवर भी हैं और हर्ट्स भी हैं। यहाँ पे लोग आते हैं कराची से घूमने के लिए, वो भी तफरी के लिए आते हैं और वो भी खुश हो जाए। फैमिलीज वालों के लिए अगर वहाँ यहाँ पर आए तो रहने वगैरह का इंतजाम मौजूद है? हमारे पास बंदोबस्त है, हर चीज़ है यहाँ पे, मतलब हर चीज़ की सहूलत है। इंशाल्लाह जो भी फैमिली आएंगे तो मोस्ट वेलकम। बिल्कुल ठीक है। और एक एक चीज़ जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं वो ये कि सिक्योरिटी वगैरह तो कोई इशू नहीं होता? अल्लाह ताला का शुक्र है कि यहाँ पे जो काफ़ी जो अमन मन का जो मसला है वो काफ़ी टाइम से लोग इसको देख रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और हमारे यहाँ की जो इलाके की पुलिस है वो भी बिल्कुल वो इलाके में आती है और चेक पोस्टें भी है। हमारा वाइल्ड लाइफ का जो स्टाफ है वो भी इसकी निगरानी करता है और इसके अलावा जो यहाँ की ज़िला मलिर की पुलिस है वो भी माशाल्लाह काफ़ी जो मेहनत करती है और यहाँ पे बिल्कुल अमन अमान, कोई वैसा रिस्क नहीं। ठीक है। अच्छा, ये मैं पीछे देख रहा था कि शिकार वगैरह के हवाले से, बड़ी अच्छी बात है कि तमाम चीज़ों की यहाँ पर जो पहले से बता दिया जाता है कि जो शिकार वगैरह खेलना है उनके लिए ये जगह नहीं है।
हाँ, क्योंकि यहाँ तो नेशनल पार्क खास सेंटर है, यहाँ पे कोई भी एजाजनामा नहीं है। बाकी इसके अलावा जो खुला हुआ इलाका है जहाँ पे हम परमिट वगैरह शो करते हैं, बाकी नेशनल पार्क जो जितने तीनों सेंटर है वहाँ पे कोई भी एजाजनामा नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है। और नीचे हमने देखा मगरमच्छ वगैरह भी रखे हुए हैं और इस तरह और बहुत सारे जानवर हैं, तो ये एक बड़ा खूबसूरत जगह बनी हुई है, कैसे इसका ख्याल आया कि इतनी बड़ी जगह के ऊपर साथ में हब डैम भी नजर आ रहा है? हाँ, यहाँ के हब डैम के जो नज़ारे हैं वो आप सामने देख रहे हैं वो भी है हमारे पास। जो मगरमच्छ है वो भी अच्छी तादाद में है और यहाँ उनको हम उनको संभालते हैं, गोश्त वगैरह ये वो जो हाँ ब्रीडिंग भी होती है तो यहाँ पे वो खुश है बिल्कुल। उनका जो नस्ल भी बढ़ रही है और तकरीबन पीका जो मोर है उनका भी काफी नस्ल बढ़ रहे हैं। तो तकरीबन जब हमने इनको छोड़ा था तो ये मोर 10-15 दाने थे, अभी माशाल्लाह 500-600 तक ये इनकी तादाद पहुंच गई है। अच्छा, इनकी नस्ल। वरना वो अमूमन होता ये कि जैसे हम सिंध में देखते हैं खासतौर पर थर के इलाके में जो मोर हैं बीमारियों का शिकार होते हैं, उनसे बचाया जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है? देखें, जहाँ तक मेरी भी सर्विस है तकरीबन 30 साल, यहाँ तक आजकल कोई रानी खेत वगैरह का हमने सुना है कि वो थर वगैरह में आती है, लेकिन अल्लाह ताला का कर्म है, यहाँ की जो मौसम है जो यहाँ के बिल्कुल वो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे ऐसी कोई हालत नहीं हुई है आज तक। तो ये ब्रीडिंग वगैरह का सीजन वैसे कौन सा अमूमन होता है खासतौर पर पीकॉक या मोर का? ये जून जुलाई में होता है, जून जुलाई में होता है इसका, और ये इनका माहौल भी अच्छा है और नीचे बाग है उसमें भी है और अंदर ये इंगूटर जो हमारी जाली है उसके अंदर भी मोर वगैरह जाते हैं तो अपना बिल्कुल खुशी से घूम फिरते हैं, उनको कोई तंग नहीं करता है, यहाँ पे सुकून से वो बिल्कुल खुश है। ठीक है, और ये कितना भार का तकरीबन ये एरिया है ये जो नज़र आ रहा है, यहाँ से डैम शुरू हो रहा है यहाँ तक ये फैला हुआ है? देखिए, ये तकरीबन जो हमारे खार सेंटर की एरिया है वो भी तकरीबन 50-60 हज़ार एकड़ पे बना हुआ है। वैसे तो उसके 3 सेंटर है लेकिन हमारी जो डिस्ट्रिक्ट मलिर में जो सेंटर आ रहा है इसमें तकरीबन 12 दे हैं, जिसमें लुसर है, वार्ड है और मुख्तलिफ दे हैं। खार भी जो सेंटर जिसके नाम पे है, खार सेंटर भी है, मैदान भी है, कंजंग भी है, काफ़ी देश जो है वो 12 दे इसमें आते हैं, उस पर मुश्तमल है ये खार सेंटर। तो इसकी कोई एकड़ के हिसाब से अगर हमने अंदाज़ा किया है तो तकरीबन 50-60 हज़ार एकड़ ये मुश्तमल है अपना खार सेंटर की जो एरिया है वो। अच्छा, कोई एरिया। और ये फेंसिंग कैसे की गई है, क्योंकि कुछ एरिया नीचे नज़र आ रहा था जहाँ पे बहुत बड़े इलाके में फेंसिंग हुई हुई है, इसकी क्या वजह बनी? इसकी ये कि अब वैसे तो हमारे पास पहाड़ी इलाका है उसमें खुले जो जानवर हैं वो घूमते फिरते हैं, इसको हमने इसके लिए कि ताकि जो टूरिस्ट आते हैं जो घूमने के लिए आते हैं तो इसके लिए हमने इंग्लूचर का ये बंदोबस्त किया है जिसके अंदर ये हरन वगैरह रखे हुए हैं और मगरमच्छ भी हैं, तो जो मेहमान आते हैं विजिटर आते हैं उनको हम दिखाते हैं ताकि वो जो मेहमान है वो उसकी हमारे डिपार्टमेंट की जो आगे लोगों को बताएं कि भाई यहाँ पे क्या है, तो ये हमने इजी का तरीका रखा हुआ है ताकि इनको दिखाया जाए सब लोगों को। अच्छा, और नीचे वाइल्ड लाइफ के चौकियाँ भी बनी हुई हैं, लोग मौजूद होते हैं तमाम चीज़ों को गाइड करने के लिए? हाँ, ये कि यहाँ तकरीबन जो हमारे खार सेंटर में 5 चेक पोस्ट हैं तो वहाँ पे स्टाफ है और तो जो हमारे गेम वाचर होते हैं वो ऑलरेडी हर वक्त ड्यूटी पे होते हैं और इलाके में जो भी आने जाने वाली गाड़ी है उनकी बिल्कुल तलाशी लेते हैं, उनको चेक करते हैं, उनसे मालूम करते हैं, शिकार वगैरह के ऊपर जो पाबंदी है उनको उनको तंबी करते हैं, मना करते हैं भाई यहाँ पे इस किस्म की कोई कार्रवाई हम कर नहीं देंगे, वो सख्ती से बिल्कुल वो अपने जगह पे ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो मौसम है खासतौर पर इसमें कितने जानवर नज़र आते हैं, क्योंकि अब सर्दी से मौसम थोड़ा गर्मी की तरफ जा रहा है तो बहुत सारे जानवर जो है वो दूर चले जाते हैं, इस वक्त कौन से जानवर नजर आते हैं? देखिए, इस वक्त जो हरन वगैरह है वो तो रात को अंधेरे में जो मौसम ठंडी है रात में, यहाँ की जो नॉर्मल रहती है हमेशा मौसम न ज़्यादा गर्मी रहती है इस एरिया में, न ज़्यादा सर्दी, एक नॉर्मल पोजीशन है, उसमें रात में हरन वगैरह आसानी से देखे जाते हैं। बाकी अगर जो उड़ियाल है या आईबेक्स है उनको अगर देखा जाए पहाड़ों को सुबह सवेरे 6 बजे पहाड़ों पे अगर कोई जाएगा तो उसको देख सकता है 6 बजे सवेरे, क्योंकि ठीक है। तो ये यहाँ पर बड़ा मुनासिब इंतज़ाम है क्योंकि हमने यहाँ पर स्टे भी किया, तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व भी किया और सुबह सवेरे बहुत सारे ऐसे जानवर हमें देखने में आए तो वो सुबह के वक्त जो उनकी मूवमेंट होती है वो देखी जा सकती है, वो बड़ा खूबसूरत एक मंजर होता है। पानी वगैरह का कैसा है इंतज़ाम? पानी यहाँ पे ट्यूबवेल है, बोर किए हुए हैं और कुआं भी है और इसके जो यहाँ पे करीब जो जानवर है अंदर है इंग्लूचर के अंदर उनके लिए हमने बंदोबस्त किया है ट्यूबवेल का और कुएं का, बाकी जो जानवर है हमारे पहाड़ों पे वो कुदरती चश्मे हैं वहाँ पे वो पानी पीते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें नज़र आई जो 80 की दहाई में बनाई गई थी लेकिन उसके बाद उसके ऊपर कोई खास काम नहीं हुआ, तो हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे कि इसमें और क्या क्या करने की ज़रूरत है ताकि इतना खूबसूरत ये जगह है इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सके? अभी इसकी जो कुछ है जैसे इंग्लोचर है हमारे कुछ हट्स हैं इनकी मरम्मत की ज़रूरत है,
इसके लिए हम ये ज़रूर अपने डिपार्टमेंट के जो हमारे पार अफसर हैं उनको हम ये ज़रूर कहेंगे कि इनको जो दोबारा जो थोड़ा बहुत काम है, इतना नहीं है, उसकी जो मरम्मत की जाए ताकि ये फिर अपने उस पोजीशन में रहे जैसे पहले थे। काम अच्छी तरह के हुआ है, इसमें कोई इतनी बड़ी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत कमजोरी है उसको दुरुस्त करना चाहिए। ठीक है, और मजीद हम अभी बहुत सारी जगहें आपको दिखाते हैं, तो अभी इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम आपको दिखाएंगे ये जो हमारे जो इंग्लिशर बना हुआ है जाली है जिसके अंदर ये हरन है और मगरमच्छ है, वो हम आपको दिखाएंगे, और पहाड़ों पे जहाँ से ये कुदरती चश्मे और जहाँ से हमारे जानवर पानी पीते हैं वो हम मनाजर आपको दिखाएंगे। चले जी, हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं और बहुत सारी जगह है। ये कीर्थर नेशनल पार्क है, एक बहुत बड़े इलाके पर फैला हुआ है, बड़ी खूबसूरत जगह है, तो इसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने की, वो आपको दिखाते हैं। आइए, पर कीर्थर पार्क में मौजूद हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त एक जगह है, यहाँ पे बहुत सारे आपको जंगली हयात जो है वो नज़र आएगी। साथ ही मेरे बिल्कुल पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटी सी सेंचुरी यहाँ पर बनी हुई है जहाँ पर बहुत सारे क्रोकोडाइल्स रखे हैं, और ये यहाँ पर मोहसिन साहब हैं जो इन तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर करते हैं। ये मोहसिन साहब कब मगरमच्छ ला के रखे और कैसे ये पाउंड बना, क्या इसकी हिस्ट्री? ये जो है ना वो 80s में एक प्रोजेक्ट चल रहा था कीर्थर नेशनल पार्क में, कार सेंटर पे जो है ना ब्लैक बक्स की और क्रोकोडाइल्स की, तो हमने जो है ना यहाँ इनक्लोअर में कुछ ब्लैक बक्स भी जो है ना वो ब्रीडिंग करवा रहे हैं 80s से जो, और उसके साथ हमने जो इनक्लोअर के अंदर ही एक जो है ना हमने पॉन्ड बनाए हैं जिसमें हमने क्रोकोडाइल की भी ब्रीडिंग स्टार्ट करवाई 80s से, और हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अब जो है ना 11 के करीब जो है ना क्रोकोडाइल्स हैं और 70 के करीब इनक्लोअर में जो है ना ब्लैक बक्स हैं, जिसको क्रोकोडाइल्स को हम जो है डेली बेसिस पे जो वो उसको फीड दे रहे हैं और गोश्त की और मुर्गियों की जो है ना डेली बेसिस पे हमें फीड भी दे रहे हैं, और ब्लैक बक्स के लिए और इनके लिए पानी की भी अच्छी अरेंजमेंट है, पाइपलाइन भी छाए हुए हैं उनको जो है पाइपलाइंस के थ्रू हमने छोटे बड़े बांध्स बनाए हैं जिसमें पानी आता है और ये जो है ना वो पानी पी लेते हैं। तो रोज़ाना इसका ख्याल रखा जाता है, रोज़ाना इसको फीड किया जाता है। जब ये लेकर आए तो आपने बताया कि 2 थे और इस वक्त 11 के करीब ही हो चुके हैं, तो ये कितनी तेज़ी से ब्रीड करता है, कितना टाइम लगता है? ये जो है ना वो अंडे देते हैं, मगर ये क्या है कि जो है ना ये अपने बच्चे भी खाते हैं, इस वजह से उसकी जो है ना वो ब्रीडिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, क्योंकि ये आपस में लड़ते हैं तो आपस के बच्चे भी ये खा जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी इतनी भी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही जितना बढ़ना चाहिए था। चलिए जी, अब आगे थोड़ा सा चलेंगे और आगे चिनकारा वगैरह भी यहाँ पर है, उसके लिए भी हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ उनके स्पॉट्स बने हुए जहाँ से वो निकलते हैं तो उनको चेस कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको इस कीर्थर पार्क में चलते हुए जो है जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको नज़र आएंगी। आइए आपको और भी चीज़ें दिखा दें। आइए, इस वक्त एक पीक पर हम आ चुके हैं, ये माउंटेन है जिसके ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं। रशीद भाई, क्या जगह ये है? देखिए, ये आप जहाँ पे खड़े हैं तो ये है हमारा खीरथर नेशनल पार्क खार सेंटर का जो इंग्लूचर है जिसके अंदर हरन वगैरह, और सामने जो ये आपको पहाड़ी नज़र आ रही है इसका नाम है मुंगसर जबल,
और उसके साथ ही बिल्कुल आमने सामने है मरी जबल। मुंगसर और मरी जबल जो है वो हमारे तो दो चीज़ों से मशहूर है, एक तो हमारे वाइल्ड लाइफ की एरिया है पहाड़ी दोनों, दूसरे इनकी इश्क की दास्तान जो हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग है वो कहते हैं कि मुंगसर एक मतलब और मरी इन दोनों का कोई इश्क का दास्तान था बहुत पुराना, पाकिस्तान से पहले की कोई पुराने अंग्रेज के दौर की ये बात है। तो ये एक बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है, ये मशहूर है इसी वजह से, ये मरी जो उसकी महबूबा थी और ये इनके आशिक थे मुंगसर, इन दोनों की ये जोड़ी थी और ये भी कहानी इस एरिया में बहुत बड़ी मशहूर है। जबरदस्त जी, ये भी हमें अभी पता चला, एक बड़ा जबरदस्त माउंटेन है, अभी आपको बैकग्राउंड में दिखाएंगे भी, ऊपर वॉल्चर्स के गेंद के जो नेस्ट हैं वो भी नजर आ रहे हैं। हाँ देखें वो नजर आ रहे हैं, वो ये पानी से जो ये पहाड़ी है जो तेज पानी गिरता है तो इससे इसमें थोड़ा कटाव भी आता है और हमारे जितने भी बड़े ये आइबेक्स वगैरह जानवर है वो इसी के ऊपर ही होते हैं। इसके ऊपर मैदान है बिल्कुल, ये आपको पहाड़ी अभी नज़र आ रहा है लेकिन इस पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा मैदान है जिसमें हमने और मतलब छोटे छोटे तालाब बनाए हुए हैं ताकि वो जो जानवर हमारे वहाँ से पानी पी सके। वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट ने वहाँ पर पानी का इंतजाम किया कि जहाँ पर जानवर जो है वो नीचे से जाते होंगे, छोटे छोटे हमने टैंक बनाए हैं तालाब ताकि वहाँ से वो जो जानवर वो पानी पी सके। बड़ी लंबी रेंज चली आ रही है और ये उमूमन यहीं पर हमने देखा है अक्सर जो वीडियोस हमारे पास हैं कि आईपैक्स और चिंगारा वगैरह इसी के ऊपर चढ़कर जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल जी, इसी के ऊपर चढ़ जाते हैं, इनके अपने एक रास्ते होते हैं जहाँ से ये फिर इनकी मूवमेंट जो होती है वो नीचे भी आते हैं ऊपर भी जाते हैं, तो ज़्यादातर ये ऊपर जो आईपैक्स वगैरह हैं उड़ियाल है वो ऊपर ही रहते हैं। ये माउंटेन रेंज जो ये क्या बलूचिस्तान तक जाती है क्योंकि बहुत दूर तक फैले हुए जी, ये खीरथर के जो पहाड़ों का सिलसिला आ रहा है जो खीरथर से शुरू हो रहा है तो ये यहाँ से खार सेंटर से होते आगे मंगोपीर जो दरगाह है कराची वहाँ तक इनका ये सिलसिला जाता है। हाँ वहाँ तक जाता है, शुरू जो होता है वो खीरथर से होता है। और ये पीछे आप बैकग्राउंड में देखेंगे इसके बिल्कुल जो है ये हब डैम जो है बना है जहाँ से पानी की सप्लाई कराची के मुख्तलिफ इलाकों में होती है वो यहीं से है। हाँ बिल्कुल, ये जो डैम है जो हमारे जो जानवर हैं जो हरन वगैरह वो भी इससे पानी पीने जाते हैं और ये डैम जो बनाई हुई है वो काफ़ी मजबूत डैम है, अच्छी डैम है जिससे पानी जखीरा होता है और कराची के लिए जो पानी मैसर किया जाता है वो ये इसी डैम से है, हब डैम से जी। ये वो सप्लाई लाइन है जो आप देख सकते हैं यहाँ से जो पानी स्टोर हो के जाता है, ये भी बहुत बड़े रकबे के ऊपर फैला हुआ है। और यहाँ पर मुझे काफ़ी दूर रशीद भाई ये फेंसिंग का एरिया नज़र आ रहा है, ये बाउंड्री वॉल्स नज़र आ रही है, ये कहाँ तक फैली है? देखें जी, इसकी तकरीबन कोई 10-12 एकड़ इसकी एरिया है जिसको ये हमने ये बाउंड्री किया हुआ है, बाकी तो हमारे खुला भी इलाका बहुत बड़ा है लेकिन इसको जो हमने दिखाने के लिए जो टूरिस्ट आते हैं उनको दिखाने के लिए हमने इसको क्लोज किया हुआ बंद किया हुआ है, तो तकरीबन ये कोई 10-12 एकड़ पर मुश्तमिल है। ठीक है, और ये बहुत बड़े रकबे पर हमें जंगलात नज़र आ रहे हैं, अभी थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है कि बारिशों के बाद क्या सूरत हाल होगी? देखें बारिशों अभी कुछ साल पहले एक साल बारिश हुई थी इसी से फिर ये सरसब्ज हो गया था एरिया, लेकिन अब फिर जैसे बारिशें हो जाएंगी तो ये आपको इसका माहौल और अच्छा बेहतर नजर आएगा, मोर वोर और बाहर आ जाते हैं जान। हाँ मोर आ जाते हैं बाहर आ जाते हैं, वो बड़े खुश होते हैं क्योंकि बारिशें होती है जमीन नरम होती है फिर उनको खेलना कूदना और अच्छा और लगता है। ठीक है जी, बड़ा ज़बरदस्त व्यू, अभी आपको और बहुत सारी जगहें दिखाएंगे कि बहुत बड़े रकबे पर ये जो खार का एरिया ये फैला हुआ है और ये खीरथर नेशनल पार्क का ही एरिया पूरा लगता है और इसके बिल्कुल हमारे जो कैमरा मैन है इनका बिल्कुल पीछे एक बहुत बड़ा माउंटेन रेंज जो है वो नज़र आ रहा है, उससे रिलेटेड एक बड़ी अभी इन्होंने बताया एक दास्तान भी है जिसके बारे में अभी हमें पता चला है, तो एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है। मजीद जगह है अभी इधर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो हमें अभी एक्सप्लोर करें।
इस वक्त जी हब डैम के पास आ चुके हैं और ये जो कीर्थर नेशनल पार्क है इससे चंद मिनट की मुसाफत पर ये है, और जब आप यहाँ पर आएँ तो वापसी में आप ज़रूर इस जगह विज़िट करें। हब डैम को पानी की बहुत बड़ी सप्लाई है यहाँ से जो कराची शहर के लिए जाती है। और अभी हमने विज़िट किया नेशनल पार्क का, कीर्थर नेशनल पार्क का, और वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। तो ये अभी सिलसिला जारी है और रास्ता इसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत है कि आप इर्द गिर्द आपके चारों तरफ जो आपको पहाड़ नज़र आएंगे और बहुत अच्छा रास्ता जो है ये बना हुआ है। तो लास्ट में हमने ये विज़िट करना है और इसके बाद जो है हम यहाँ से वापस अपने शहर कराची की तरफ जो है वो वापस जाएंगे। तो यहाँ से आपसे इजाज़त लेंगे और यहाँ पे आपको चंद इसकी जो है वो मनाज़िर भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपसे मुलाकात।